यदि आप भी इग्नू का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो पहले यह वीडियो पूरी कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है निकल के आए, सारे नोटिफिकेशन को हम एक एक करके जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन 2 अगस्त को रिलीज़ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट रूप से जरूर देखिएगा, आप सभी को परीक्षा से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख पा रहे कंडक्ट ऑफ टर्मिंग एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो 3 अगस्त से जो कंडक्ट किया जा रहा है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है और कर्फ्यू लगा हुआ, उस कंडीशन पर घर से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो चुके हैं सभी स्टूडेंटों को लेकर। तो इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो है इग्नू के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पर निकाले गए हैं। तो आइए इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट और पूरी का पूरी अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास यह जो डायरेक्शन जो है दिया गया, इसमें क्या लिखा गया इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि आप सभी का परीक्षा 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है और 9 सितंबर तक होने वाले हैं, जिसकी टाइमिंग आपको 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो टाइमिंग रखा गया, और इसके अलावा जो संडे को छुट्टी रखा गया, हॉलीडे रखा गया और गवर्नमेंट हॉलीडे भी रखा गया। लेकिन दोस्तों यहां पर यह बात साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि यदि किसी भी स्टेट में, यानी कि दोस्तों किसी भी जगह पर अगर आपको कोई भी पुलिस या कोई भी अगर आपको रोक टोक करती है तो आप अपने आईडी कार्ड, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर आईडी कार्ड या एडमिट कार्ड को आप दिखाकर वहां से आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि हम जो है परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। उसके साथ साथ इसका भी आप सभी विद्यार्थी प्रिंट आउट करके जरूर से जरूर अपने पास रख ले। हो सकता है बहुत सारे ऐसे पुलिस होंगे या बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक पुलिस होंगे जहां पर आपको रोकेंगे और एडमिट कार्ड दिखाने के बाद भी आपकी जो है मान्यता नहीं दिया जाएगा, तो आप उस कंडीशन पर इस लेटर को दिखाकर पूरी के पूरी यहां पर जो है दोस्तों कर सकते हैं कि उस पर क्लेम किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे ये सभी स्टूडेंटों के लिए, एक बार प्रिंट आउट करके साथ में इसको ज़रूर से ज़रूर अपने साथ ले जाए, कहीं पर रोक टोक करते हैं तो उसको दिखा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए यह जो कॉपी कहां कहां पर भेजा गया, तो यह कॉपी दोस्तों मणिपुर में भेजा गया, इम्फाल सेंटर में भेजा, मतलब सभी जगह पर यह कॉपी को जो है एक कॉपी को यहां पर भेजा गया, एल्सो यहां पर कॉपी, एल्सो यहां पर जो भेजा गया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को भी भेजा गया, तो ये सभी के जगह पर भेजा गया। लेकिन दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ किस रीजनल सेंटर के तरफ से, यह चीज़ जान लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यह दोस्तों इम्फाल जो भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उनके लिए ही यह नियम जो है लागू किया गया, लेकिन हमारे द्वारा जो है सभी जितने भी रीजनल सेंटर सभी जगह एक एक लेटर निकालना चाहिए। आप अपने विचार में क्या कहते हैं, सभी रीजनल सेंटर को इस प्रकार से एक एक लेटर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को आने जाने में किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक ना हो, ना ही अदरवाइज दोस्तों फाइन भरने की संभावना जताया जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसको लेटर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर भी आप आकर डायरेक्टली दोस्तों देख सकते हैं और डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कुछ और नए नोटिफिकेशन को। आप सभी का हॉल टिकट को रिलीज कर दिया गया, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक अपना हॉल टिकट नहीं निकाले होंगे तो फटाफट इनरोलमेंट नंबर डालकर प्रोग्राम को सिलेक्ट करके सबमिट वाले बटन पर दबा के अपना जो है इनरोलमेंट नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक कर दी गई, तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं किए होंगे री रजिस्ट्रेशन फटाफट अपना री रजिस्ट्रेशन कर ले। इसके अलावा दोस्तों आप सभी का जो नामांकन की जो तिथि है उसको भी 16 अगस्त तक कर दी गई, तो जो भी कैंडिडेट अपने नए नामांकन लेना चाहते हैं वो कृपया करके 16 अगस्त से पहले ले ले। इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2020 का एग्जामिनेशन का रिजल्ट का 2 अगस्त का एक नया अपडेट आ चुका है, तो जो भी कैंडिडेट अपने रिजल्ट देखना चाहते हैं अपने इनरोलमेंट नंबर डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिवोल्यूशन का भी रिजल्ट आ चुका है, तो जो भी कैंडिडेट 2 अगस्त से पहले अपना रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं अपने इनरोलमेंट नंबर डालकर रिजल्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं। ये थे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास नोटिफिकेशन। आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारियों के साथ।